जय माँ भारती। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने फेसबुक के मित्रों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अपने इतिहास के वीर पराक्रमी राजाओं की गौरव गाथा सुन के वे जाग चुके हैं। उनके व्यूज़, कमेंट, लाइक और शेयर देख के मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। परंतु मेरे YouTube के मित्र अभी भी सुषुप्त अवस्था में हैं, उनको भी जगाने का प्रयास मेरा जारी है और ये मेरा सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि वे जाग नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल वे जागेंगे जरूर, क्योंकि YouTube पे ना सब्सक्राइब ही लोग कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। तो आज की ये श्रृंखला शुरू करने के पहले मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहूँगा कि भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को चार चरणों में विभक्त किया है। पहला चरण तो पाषाण युग है, पाषाण युग का इतिहास जिसके कि कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिलते हैं, किस्से, कहानी और किंवदंतियों के माध्यम से उसको जाना समझा जाता है। उसके बाद शुरू होता है प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें कि हम चल रहे हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुआ और 7वीं शताब्दी तक माना गया। इसके बाद फिर भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है और उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मित्रों, हम पोरस से चले, चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, सम्राट अशोक के से मुलाकात करते हुए हम पुष्यमित्र शुंग तक आए। उसके बाद सातवाहनों से भी मुलाकात हुई, वाकाटकों से भी हमारी मुलाकात अच्छी रही। उसके बाद हमने भारतवर्ष के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया, गुप्त काल में, भारत का स्वर्णिम युग, और हमने उस युग का पतन होते हुए भी देखा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद समूचे अखंड भारत में उथल पुथल सी स्थिति पैदा हो चुकी थी। भारत फिर से खंड खंड हो चुका था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद की जो स्थिति थी, वही स्थिति एक बार फिर से सामने थी। छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। उसी में हरियाणा के थानेश्वर में एक राज्य था, प्रभाकर वर्धन का। राज्य तो छोटा था लेकिन प्रभाकर वर्धन बहुत ही वीर, साहसी, निडर और दक्ष योद्धा था। उसने होड़ों पर आक्रमण किया, होड़ों से युद्ध किया और होड़ों को पराजित भी किया। इसका शासनकाल इतिहासकार 570 या 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक मानते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था, जिससे इनकी 3 संतानें थी। 2 पुत्र में एक पुत्र राज्यवर्धन और दूसरा पुत्र हर्षवर्धन था, तथा पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। ग्रहवर्मन का राज्य भी एक मजबूत राज्य था और ग्रहवर्मन भी एक प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने सत्ता संभाली। सिंहासन पर बैठते ही उसे सूचना मिली कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है और ग्रहवर्मन की हत्या करके उसकी बहन राशि को कैद खाने में डाल दिया है। खबर सुनते ही राज्यवर्धन कन्नौज की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए कन्नौज की तरफ बढ़ चला। उसने मालवा के राजा देवगुप्त की सेना पर भीषण आक्रमण किया और भीषण युद्ध में देवगुप्त को मारकर देवगुप्त की सेना को परास्त किया। परंतु तभी बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन का वध कर दिया। एक विकट परिस्थिति पैदा हुई और मात्र 16 वर्ष की उम्र में
हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला। सिंहासन संभालते ही हर्षवर्धन के पास दो प्रमुख कार्य थे, एक तो राजवर्धन की हत्या का बदला, दूसरा कन्नौज की रक्षा करके अपनी बहन को बचाना। हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर कन्नौज की तरफ बढ़ चला। रास्ते में कामरूप के शासक भास्कर वर्मन का दूत उसको मिला और उसने भास्कर वर्मन का संधि प्रस्ताव हर्षवर्धन को सुनाया। हर्षवर्धन ने सहर्ष ही मित्रता स्वीकार की। वो आगे बढ़ता, इससे पहले ही उसको सूचना प्राप्त हुई कि कैदखाने से स्वतंत्र होकर उसकी बहन राजश्री विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ निकल चुकी है। हर्षवर्धन विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ मुड़ गया और अपनी बहन को खोज करके वापस कन्नौज ले आया। कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण समस्त मंत्रियों की सहमति से और बहन राजश्री की सहमति से हर्षवर्धन ने कन्नौज राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया और थानेश्वर के बाद अपनी नई राजधानी कन्नौज में बनाकर यहीं से शासन व्यवस्था संभालने लगा। अब प्रमुख कार्य जो था हर्षवर्धन के पास वो ये था कि अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना और शशांक से बदला लेना। इसके लिए हर्षवर्धन ने 1,00,000 सैनिकों और 60,000 हाथियों की एक विशाल फौज का निर्माण किया और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निकल पड़ा बंगाल की तरफ। मृत्यु के भय से शशांक वापस बंगाल भागकर छुप गया था। अपने साम्राज्य विस्तार का प्रथम अभियान बंगाल पर आक्रमण करके हर्षवर्धन ने बंगाल को परास्त किया, पराजित किया और अपने राज्य में उसका विलय किया। इसके बाद हर्षवर्धन ने वल्लभी के राजा को भी पराजित किया और उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। हर्षवर्धन की बढ़ती ख्याति देखकर न जाने कितने उत्तर भारत के राजाओं ने स्वतः ही पत्र भेजकर हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार की। भारत के पूर्वी हिस्से को जीतकर 641 ईस्वी में उसने मगध के राजा की उपाधि धारण की तथा अपने शासनकाल में उसने महाराजा धीराज और पुरुषोत्तम जैसी उपाधियां भी धारण की। इसके बाद हर्षवर्धन ने दक्षिण का रुख किया। दक्षिण विजय के लिए वो निकला तो जरूर, परंतु दक्षिण में चालुक्यों का एक मजबूत और संपन्न राष्ट्र था जिसका शासक था पुलकेशियन द्वितीय। नर्मदा के तट पर दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई। लंबे और भीषण संग्राम में अंततः हर्षवर्धन को पराजय का मुख देखना पड़ा। पुलकेशियन द्वितीय के अभिलेख जो कि ऐहोल में प्राप्त हुआ है, ऐहोल अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। उसके बाद हर्षवर्धन ने फिर कभी भी दक्षिण का रुख नहीं किया। अपने शासन के शुरुआती 6 साल हर्षवर्धन के सिर्फ युद्धों में बीते। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल का अंतिम आक्रमण उड़ीसा पर किया तथा उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट पर और पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक एक विशाल साम्राज्य हर्षवर्धन बना चुका था। उसका प्रभाव क्षेत्र काफी विस्तृत था। इतिहासकारों के मतानुसार लगभग 20 राज्य हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करते थे। हर्षवर्धन के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, एक उत्तर प्रदेश के मऊ में मधुबन अभिलेख और दूसरा उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर का बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख
से उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त नालंदा और सोनपत में उसके कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन ने चीन से भी बहुत अच्छे संबंध बनाए। हर्षवर्धन के काल में राजदूतों का आना जाना लगा रहता था और ह्वेनसांग चीनी यात्री जो था वो हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया। इतिहासकार कहते हैं 6 या 8 वर्षों तक वह हर्षवर्धन के दरबार में उसके मित्र की तरीके से रहा। हर्षवर्धन शिव का उपासक था। 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे कवि इनके दरबारी थे। हर्षवर्धन को कला और साहित्य में भी विशेष रुचि थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी पुस्तकें स्वयं ही लिखी। प्रयाग कुंभ मेले की शुरुआत भी हर्षवर्धन ने ही कराई। वह हर 5 वर्ष में अपनी बहन राष्ट्री के साथ प्रयाग मेले में जाता था और अपना सर्वस्व दान कर वापस आता था। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती था, जिससे इनकी 2 संतानें थीं, एक वाग्यवर्धन, कहीं कहीं से भाग्यवर्धन भी कहा गया है, और दूसरा कल्याणवर्धन। परंतु इनके एक मंत्री अरुणाश्रा ने इन दोनों का वध कर दिया। 41 वर्ष तक हर्षवर्धन ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्ता उसके मंत्री अरुणाश्रा ने संभाली, परंतु वो अयोग्य शासक साबित हुआ और एक महान वंश का असमय ही अंत हो गया। निसंदेह हर्षवर्धन प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम सबसे सफल हिंदू सम्राट माना जाता है। इसके पश्चात अरब मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो चुका था और हर्षवर्धन प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्विवाद रूप से अंतिम प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। और अब अगले रविवार को हम आपको लेके भारतीय इतिहास के मध्य युग में प्रवेश करेंगे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रतापी हिंदू राजा दाहिर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इंतजार कीजिए, अगले रविवार हम आप और हमारे सभी दर्शक मिलेंगे सिंधु के एक प्रतापी राजा दाहिर से। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।